All right, friends. So now we are starting again. Important point is shutdown point. आपके page number 5.31 पे आप जरा देखिए friends. मैंने आपको define भी किया है. Meaning of shutdown point. Disinvestment या shutdown point के लिए मैंने आपको दिया. It is a point where the management can take the decision whether to continue the operation or shutdown. Shutdown point क्या रहेगा friends आपका? It is a point where the management can take the decision whether to continue the operation or shutdown. अब आप जरा देखिए. Suppose you take the example of my DKC class. ये मेरा DKC का class है, बराबर? You take the example of my DKC, right? दानी की costing का class का आप एक example लीजिए. यहाँ पे अपने को decision लेना है whether to continue the batch or not. मैं आपको सर्विस सेक्टर में सिखाता हूं ताकि आप लिंक कर पाओ चीज को करके ना. आपको क्या सीखना है कि हमको बैच चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए. क्लास को बेच के नहीं भागना है, क्लास को बंद करके नहीं भागना है. अपने को यह देखना है कि बैच चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए. शटडाउन पॉइंट मीन्स पॉइंट, इट इज ए पॉइंट वेयर द मैनेजमेंट कैन टेक द डिसीजन वेदर टू कंटिन्यू द ऑपरेशन और नॉट. उसको ऑपरेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए वो आपको देखना है, ठीक है? अब जैसे मेरा ये क्लास का है, सपोज मेरा एक स्टूडेंट का सेलिंग प्राइस है सपोज से 25,000. मेरा एक स्टूडेंट है उसका सेलिंग प्राइस है 25,000. उसका वेरिएबल प्राइस मुझे दे रखा है इज 5,000. तो मुझे कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेगा. दिस इज माय कॉन्ट्रीब्यूशन एंड कॉन्ट्रीब्यूशन इज 20,000. सेलिंग प्राइस 25,000, वेरिएबल प्राइस 5,000, कॉन्ट्रीब्यूशन 20,000. सपोज जिस जगह पे मैं क्लास लेता हूं द रेंट ऑफ दिस प्रमाइसेस इज सपोज से रुपीज 6 लाख, ओके? और जो मेरा पियोन है उसका सैलरी है, माय पियोन सैलरी एंड पियोन सैलरी इज 2 लाख. इट मींस माय टोटल फिक्स कॉस्ट इज 8 लाख. 8 लाख में से एक अपन इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट. ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट है मेरा 8 लाख. और अगर मैं ये बंद कर देता हूं, अगर मैं सपोज बैच नहीं चलाता हूं, तो व्हाट इज माय शटडाउन कॉस्ट? माय शटडाउन कॉस्ट इज सपोज से रुपीज 6 लाख. मतलब मेरा पियोन है वो भला आदमी है, बोलता है सर अगर आपके पास बैच नहीं है, अगर आपके पास बैच नहीं है तो आप प्लीज मुझे निकाल दीजिए. इसका मीनिंग दैट केस आई कैन सेव माय पियोन का सैलरी. लेकिन रेंट वाला वो बोलता नहीं भाई हमको इससे मतलब नहीं है, आपका बैच है या नहीं है आपको देना ही पड़ेगा. इसका मतलब व्हाट इज द शटडाउन पॉइंट? इट इज ए पॉइंट वेयर द मैनेजमेंट कैन टेक द डिसीजन वेदर टू कंटिन्यू द ऑपरेशन और नॉट. कैसे फॉर्मूला को डेवलप करने का पहले आप वो समझिए. आप पहले फॉर्मूला को कैसे डेवलप करेंगे ना, पहले आप वो समझिए. इट मींस आपका शट डाउन पॉइंट इक्वल टू हो जाएगा आपका टोटल फिक्स कॉस्ट कितना है रुपीज 8 लाख. अगर आप बंद भी कर दे तो भी आपको 6 लाख का लॉस तो होगा. इट मींस मिनिमम लॉस ऑफ रुपीज 6 लाख. इट मींस व्हाट इज योर इंक्रीमेंटल लॉस? योर इंक्रीमेंटल लॉस ऑफ रुपीज 2 लाख. अगर हम चालू रखेंगे तो कॉस्ट 8 लाख है, बंद कर देंगे तो 6 लाख, तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट 2 लाख. एंड व्हाट योर कंट्रीब्यूशन पर स्टूडेंट इज 20,000. इसका मतलब अगर आपके पास 10 स्टूडेंट्स आते, अगर आपके पास 10 स्टूडेंट आते तो वेदर यू कंटिन्यू और यू शट डाउन कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है. अगर 10 से कम आते हैं आपको बंद कर देना चाहिए, अगर आपको 10 से ज्यादा आते हैं आपको कंटिन्यू करना चाहिए. इसका मतलब मैथमेटिकली आपका शटडाउन पॉइंट हो जाएगा, दिस इज योर शटडाउन पॉइंट इक्वल टू योर टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस योर शटडाउन कॉस्ट. टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस शटडाउन कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और पीवी रेशियो. कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट और पीवी रेशियो. व्हाट इज शटडाउन पॉइंट? इट इज ए पॉइंट वेयर द मैनेजमेंट कैन टेक द डिसीजन वेदर टू कंटिन्यू द ऑपरेशन और शटडाउन.
टोटल फिक्स कॉस्ट, शटडाउन कॉस्ट डिवाइडेड बाई कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट और पीवी रेशियो। सही है सोनो फ्रेंड्स। अब इसको ओपन वेरीफाई भी कर लेते हैं। टोटल फिक्स कॉस्ट, दिस इज माई टोटल फिक्स कॉस्ट, दिस इज माई शट डाउन कॉस्ट डिवाइडेड बाई कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, माई कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब देखो ये क्या बोला है कि 10 स्टूडेंट, सपोज अभी अपने पास अपने को देखना है कि 10 स्टूडेंट आते हैं, 20 आते हैं, या सपोज दिस इज वेरिफिकेशन, ये आपका वेरिफिकेशन स्टेटमेंट शोइंग, स्टेटमेंट शोइंग एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। टेन नाइन इलेवन कॉन्ट्रीब्यूशन, टेन इंटू 20,000, नाइन इंटू 20,000, इलेवन इंटू 20,000, इट मीन्स 2,20,000, देन 2 lakhs एंड 9 इंटू 20,000 इज 1,80,000 लेस फिक्स कॉस्ट 8 lakhs, फिक्स कॉस्ट 8 lakhs एंड फिक्स कॉस्ट 8 lakhs, योर प्रॉफिट एंड लॉस 6 lakhs, 180 minus 800, 6,20,000, 220 minus 800 is 5,80,000। 10 स्टूडेंट्स अगर आपके पास रहते हैं तो मैंने आपको क्या बताया, दिस इज योर शट डाउन पॉइंट, वेदर यू कंटिन्यू और यू शट डाउन, आपको कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। वैसे भी आपको 6 lakhs रुपीज का लॉस हो रहा था, वैसे भी आपको 6 lakh का लॉस हो रहा है, और अभी भी आपको 6 lakh, अगर आप बंद करोगे तो आपको रेंट तो भरना ही है, शटडाउन कॉस्ट तो देना ही है, तो 6 lakhs का तो पहले भी लॉस हो रहा था, अभी भी हो रहा। आपको लगता है कि 10 से कम स्टूडेंट आएंगे तो बंद कर देना चाहिए, 10 से अगर कम स्टूडेंट है तो बंद कर देना चाहिए, और 10 से ज्यादा स्टूडेंट है तो आपको कंटिन्यू रखना चाहिए। 10 से ज्यादा अगर आपके पास स्टूडेंट है तो आपको कंटिन्यू रखना चाहिए। सही है सोनो फ्रेंड, 10 से ज्यादा अगर आपके पास स्टूडेंट है तो आपको कंटिन्यू रखना चाहिए। ओके, जस्ट यू रिफर योर क्वेश्चन नंबर 16 एंड पेज नंबर 5.32। ये आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, ये वेरिफिकेशन वाला पार्ट एग्जाम में आपको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जस्ट एक लॉजिक को समझने के लिए, एक लॉजिक को समझने के लिए मैंने आपको ये पूरा बताया। क्या बोल रहा है फ्रेंड, फिक्स एक्सपेंस एट 50%, एक्टिविटी 15,000। अब आप मुझे बताइए कमेंट करके, अगर 100% एक्टिविटी होगा तो फिक्स्ड ओवरहेड कितना होगा, 50% एक्टिविटी पे आपका फिक्स्ड ओवरहेड कितना है 15,000, 50% एक्टिविटी पे आपका फिक्स्ड ओवरहेड कितना है 15,000, तो 100% एक्टिविटी पे आपका फिक्स्ड ओवरहेड कितना होगा बोलो, 100% एक्टिविटी पे आपका फिक्स्ड ओवरहेड कितना होगा, 30,000 आ रहा है ना याद। फिक्स्ड ओवरहेड मैंने क्या बताया था आपको फर्स्ट लेक्चर ऑफ डिसीजन मेकिंग, मैंने आपको क्या बताया था, अप टू 100% क्या रहेगा, रिमेन कॉन्स्टेंट। बच्चे लोग यहां पे बहुत मिस्टेक करते हैं एग्जाम में, फिक्स एक्सपेंस मीन्स रिमेन कॉन्स्टेंट अप टू 100% कैपेसिटी, आपका 100% कैपेसिटी पे आपको क्या आएगा, इज ए फिक्स्ड ओनली। ओके, तो फिक्स एक्सपेंस आपको 15,000, एडिशनल एक्सपेंस क्लोजिंग डाउन 1,000, फिक्स एक्सपेंस व्हेन द फैक्ट्री शट डाउन 10,000, प्रोडक्शन एट द रेट ऑफ 50% एक्टिविटी 5,000, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट 1, फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द शट डाउन पॉइंट, इट मीन्स योर शट डाउन पॉइंट इक्वल टू
your total fixed cost minus your shutdown cost divided by contribution per unit. Total fixed cost 15,000, shutdown cost 11,000 divided by contribution per unit 1, and this comes to 4,000 units. अगर आपका सेल 4000 से कम होने वाला है तो आपको बंद करना चाहिए. 4000 आपका इंडिफरेंस है, आप चालू रखो, आप बंद करो, आपको कुछ फर्क पड़ेगा नहीं. 4 से ऊपर है तो आपको कंटिन्यू करना चाहिए. 4 पे भी अगर आप कंटिन्यू करते हो तो डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, आपको सेम प्रॉफिट और लॉस आएगा. ये आपको मैंने 5.32 पे आपको सॉल्यूशन भी दे रखा है. सही है सोना फ्रेंड्स, परफेक्टली आपको क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है आप प्लीज मुझे बताइए करके ना. ओके, अब आप आ जाइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर. क्वेश्चन नंबर 17 आप जरा देखिए फ्रेंड्स, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 17, पेज नंबर 5.32. क्वेश्चन नंबर 17 पेज नंबर 5.32. ए पेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मैन्युफैक्चर्स 2 लैक्स पर एनम मीडियम साइज्ड ऑफ टिन ऑफ स्प्रे लेक पेंट. व्हेन वर्किंग एट ए नॉर्मल कैपेसिटी इट इनकर्स द फॉलोइंग कॉस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग पर यूनिट. डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट. ईच यूनिट टिन ऑफ द प्रोडक्ट इज सोल्ड एट द रेट ऑफ 21 विद द वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस ऑफ 60 पैसे पर. During the next quarter, only 10,000 units can be produced and sold. Management planned to shut down the plant, estimating that the fixed manufacturing cost can be reduced to 74,000 rupees for the quarter. When the plant is operating, the fixed overhead are incurred at uniform rate throughout the year. Additional cost of the plant shutdown for the quarter are estimated at rupees 14,000. You are required to express your opinion, answer A, to express your opinion along with the calculation as to whether the plant should be shut down during the quarter, and B, to calculate the shutdown point for the quarter in units for product in terms of number of tins. पहले given करके सारे information अपन लिख लेते हैं friends. 5.32, 5.33 पे continue है question. ठीक है, पहले गिवन. गिवन ए पेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मैन्युफैक्चर्स 2 लैक्स पर एनम मीडियम साइज्ड टिन्स. इट मींस आवर एनुअल प्रोडक्शन, आवर एनुअल प्रोडक्शन इज 2 लैक numbers, then selling price 21, variable price, direct material 7.8, direct labor 2.10, वेरिएबल ओवरहेड 2.5 एंड सेलिंग ओवरहेड 0.6. 7.8 प्लस 2.10 प्लस 2.5 प्लस 0.6 इज 13 रुपीज पर यूनिट. आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, इट मींस 21 माइनस 13 इज 8 रुपीज पर यूनिट, 8 रुपीज पर यूनिट. ओके, आपका फिक्स कॉस्ट दे रखा है 4 रुपीज पर यूनिट. इट मींस फिक्स कॉस्ट
per annum will be 2 lakhs into 4 is 8 lakhs, and quarterly will be 8 lakhs divided by 4 is 2 lakhs. During the next quarter, only 10,000. It means next quarter expected sales is 10,000 units. Management plan to shut down the plant, estimating that fixed manufacturing costs can be reduced to, it means shut down cost equal to 74 plus. When the plant is operating, the fixed overhead are incurred at a uniform rate throughout the year. Additional cost of the plant shutdown is 14,000. इसका मतलब अगर आप प्लांट को शट डाउन करते हो तो एडिशनल आपको और खर्चा लगेगा 14,000 रुपीज. ओके, 74 प्लस 14 इज 88,000. जिन लोगों ने इंटर में मेरे से कॉस्टिंग पढ़ा है, मैंने आपको मार्जिनल कॉस्टिंग में भी एक कंसेप्ट सिखाया था, 88,000. ओके, दैट्स इट. इट मींस अपने को क्या क्या दे रखा है, अपना एनुअल प्रोडक्शन है 2 लाख यूनिट, अपना फिक्स कॉस्ट है 4 रुपीज पर यूनिट 8 लाख, हमको क्वार्टरली इंफॉर्मेशन दे रखा है. एक क्वार्टर का फिक्स कॉस्ट कितना हो जाएगा 2 लैक्स, सेलिंग प्राइस 21, वेरिएबल कॉस्ट 13, कंट्रीब्यूशन 8. हमको लगता है कि नेक्स्ट क्वार्टर हम लोग कितनी यूनिट सेल कर पाएंगे, 10,000. फिक्स कॉस्ट आपका क्या है थ्रू आउट द ईयर इवनली है, और आपका शटडाउन कॉस्ट, आपको शटडाउन कॉस्ट आपको दे रखा है 88,000 रुपीज. शटडाउन कॉस्ट आपको दे रखा है 80, शटडाउन आपका जो कॉस्ट है, शटडाउन कॉस्ट आपको दे रखा है फ्रेंड्स इज रुपीज 88,000. अब आपको क्या पूछा है, आंसर ए. पहले आप आंसर ए पढ़ लीजिए फ्रेंड्स, क्या बोल रहा है. टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन अलोंग विद द कैलकुलेशन एज टू वेदर द प्लांट शुड बी शट डाउन ड्यूरिंग द क्वार्टर. क्वार्टरली आपसे पूछा है. अब देखो क्वार्टर में कितना सेल होगा, 10,000 यूनिट सेल होगा. एक यूनिट पर कॉन्ट्रीब्यूशन आपको कितना मिलेगा, 8. इट मीन्स आपका टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो गया, 80,000, और आपका फिक्स कॉस्ट कितना है, 2 लाख रुपए. इसका मतलब आपको लॉस कितना होगा, आपका लॉस हो जाएगा 1,20,000. अगर आप कंटिन्यू करते हो तो कितनी यूनिट बेच पाओगे, 10,000, कंट्रीब्यूशन 80,000, फिक्स कॉस्ट 2 लैक्स, आपको लॉस कितना हो जाएगा, 1,20,000. सही है, सुनो. और अगर आप बंद कर देते हो, प्रोडक्शन नहीं करते हो, तो लॉस कितना होगा, 88,000. तो डेफिनेटली हम लोग किस में जाएंगे, हम बंद करेंगे करके. फिर अपने से क्या पूछा है, टू कैलकुलेट द शटडाउन पॉइंट. शटडाउन पॉइंट कैसे निकालते हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट 2 लैक्स माइनस शटडाउन कॉस्ट 88,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 8. 2 लैख माइनस 88,000 डिवाइडेड बाय 8 एंड दिस कम्स टू 14,000 यूनिट. क्योंकि हमारा सेल 14,000 से कम है, हमारा सेल कितना है, 10,000. इसके लिए हम लोग क्या डिसीजन ले रहे हैं, वी वॉन्टेड टू शट डाउन. वी एग्जाम में सपोज आपके पास 2 ही मिनट बाकी है और आपका ये पूरा 12 मार्क का सम आपका बाकी है, बराबर, और आपको आंसर ए और बी आप पूरा प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हो, बराबर. वो लेडी आपको बोल रही है टाई और सप्लीमेंट फर्स्ट. आप क्या कर सकते हो ये सिचुएशन में, आप क्या कर सकते हो, तो आप यही देख लो कि भाई आप पहले शटडाउन पॉइंट निकाल लो. शटडाउन पॉइंट इज व्हाट, इट इज द पॉइंट वेयर द मैनेजमेंट कैन टेक द डिसीजन वेदर टू कंटिन्यू द ऑपरेशन और शटडाउन. हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट कितना है, 2 लाख. शटडाउन कॉस्ट कितना है, 88 डिवाइडेड बाई 8, 14,000. बिकॉज माई सेल इज लेस देन 14,000, सो आई शुड डिसकंटिन्यू शटडाउन. सही है, सुनो. लेकिन यहां पे आपके पास टाइम है तो आपको कैसे आंसर करना है आप जरा देखिए. आंसर नंबर ए, स्टेटमेंट शोइंग
analysis. Option 1, if continue. Contribution equal to 10,000 units into 8 rupees, 80,000 less fixed cost 2 lakhs, profit and loss 80 minus 200 is 1,20,000 loss. If shut down, profit and loss will be 88,000. So decision will be shut down. Decision will be shut down. दूसरा बी क्या पूछ रहा है, व्हाट इज योर शट डाउन पॉइंट. योर टोटल फिक्स कॉस्ट 2 लाख माइनस 88,000 इज ए शट डाउन कॉस्ट डिवाइडेड बाय 8. 2 लाख माइनस 88,000 डिवाइडेड बाय 8 एंड दिस कम्स 14,000 यूनिट्स. आपका शट डाउन पॉइंट क्या हो जाएगा, 14,000 यूनिट्स. आपका जो शटडाउन पॉइंट है वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 14,000 यूनिट. सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि मैंने सब कुछ सॉल्व करके आपको प्रिंट करके मैं आपको दे रहा हूँ. यू हैव टू जस्ट कॉन्सेंट्रेट हियर. व्हाट इज शटडाउन पॉइंट? इट इज अ पॉइंट वेयर द मैनेजमेंट कैन टेक द डिसीजन वेदर टू कंटिन्यू द ऑपरेशन और नॉट. आपको ऑपरेशन करना चाहिए या नहीं, फैक्ट्री बंद करके नहीं भागना है. ओके, अब आप आ जाइए और आपको एक कराता हूं. अच्छा, अब जिन लोगों ने मेरा पूरा डिसीजन मेकिंग का पार्ट 1 नहीं अटेंड किया उनको नहीं समझ में आएगा. क्वेश्चन नंबर 18 आप देखिए एंड पेज नंबर 5.34. Supreme Limited, which manufacture for the component Excel, has achieved a turnover of rupees 6 lakhs in calendar year of 2002. में उनका सेल्स हुआ था रुपीज से 6 lakhs. ओके, द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी हैज इन्फॉर्म दैट द कंपनी हैज वर्कआउट अ पीवी रेशियो ऑफ 25% एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी 20%. मार्जिन ऑफ सेफ्टी मैंने आपको क्या बताया था, बीपी एंड एमओएस. एमओएस कहां पर है? द मैनेजर ऑफ द कंपनी हैज इन्फॉर्मड दैट द कंपनी हैज वर्क आउट अ पीवी रेशियो ऑफ 25% एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी 20. इट मींस बीपी 80, वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन. याद आ रहा है चार्ट टू अपन करते थे, सही है? सुनो, This is 25%, variable cost 75%, ये आपका 75%, ये आपका 25%. But he feels due to the severe competition, the selling price is to be reduced to maintain the same volume of sales. आपका जो volume है sales का, वो क्या रहने वाला है? Same. आपका जो volume है sales का, वो क्या रहने वाला है? Same. But he feels that due to the severe competition, the selling price is to be reduced to maintain the same volume of sales in 2003. 2003 में भी even आपका selling price कम हो रहा है, लेकिन आपका volume क्या रहेगा? Same. He does not expect any change in variable cost. Variable cost भी आपका क्या रहने वाला है? It's a same. Does not expect to any change in variable cost. He expect that due to the cost reduction program, the profit volume ratio and the margin of safety is 20 and 30. आपका PV ratio next time होगा 20% और आपका MOS हो जाएगा is a 30% respectively. Consider the fixed cost in 2003.
Even if the company prefers to shut down the operation for 2003, it expects to incur a minimum fixed cost of 60,000. अगर आप बंद भी कर देते हैं तो देर इज ए शट डाउन कॉस्ट, देर इज ए शट डाउन कॉस्ट ऑफ रुपीज से 60,000, शट डाउन कॉस्ट ऑफ 60,000. प्रेजेंट द कंपैरेटिव स्टेटमेंट फॉर द ईयर 2002 and 3 शोइंग अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग एंड व्हाट विल बी द मिनिमम सेल्स रिक्वायर्ड इफ इट डिसाइड टू डिसकंटिन्यू. पहले आपने इसे क्या पूछा है, प्रेजेंट द कंपैरेटिव स्टेटमेंट फॉर द ईयर 2002 and 3 शोइंग अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग. देखो फ्रेंड्स, दिस इज योर, इट मींस आंसर नंबर वन स्टेटमेंट, स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट एंड लॉस ईयर 2002-2003 ए सेल्स, रेफर नोट नंबर वन, वेरिएबल कॉस्ट रेफर नोट नंबर वन, कॉन्ट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट एंड लॉस. अब आप आ जाइए फ्रेंड्स नोट नंबर वन, कौन से ईयर का फ्रेंड्स, 2002 ईयर 2002 सेल्स डिवाइडेड टू, चार्ट टू लगेगा फ्रेंड्स, बोलो बीपीएमओएस है, सेल्स आपका है रुपीज 6 लाख. सुप्रीम लिमिटेड विच मैन्युफैक्चर्स द कंपोनेंट एक्सेल हैज अचीव्ड ए टर्नओवर ऑफ रुपीज 6 लाख फॉर द कैलेंडर ईयर ऑफ 2002. ये अपन बात कर रहे हैं 2002 का. द मैनेजर ऑफ द कंपनी हैज इन्फॉर्म्ड दैट द कंपनी हैज वर्कआउट एट पीवी रेशियो 25%, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 20%. दिस इज 20% एंड दिस इज 80%. वेरिएबल कॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट, वेरिएबल कॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट. द मैनेजर ऑफ द कंपनी हैज इन्फॉर्म्ड दैट द कंपनी हैज वर्कआउट ए पीवी रेशियो ऑफ 25%, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 20%. ये 25% इट मींस वेरिएबल कॉस्ट 75, ये 75 और ये 25. ओके, तो 6 लाख का 80% कम्स टू 4,80,000. 6 लाख का 20% कम्स टू 1,20,000. 480 कम्स टू 120. 25% ऑफ 120 कम्स टू
120 का 25% इज 30,000, फिक्स कॉस्ट निल, प्रॉफिट 30,000, 75% ऑफ 120 विल बी 90,000, 75% ऑफ 480 is 360. फिक्स कॉस्ट 120, क्योंकि यहां पे आपका प्रॉफिट क्या रहेगा, जीरो. सही है सर. सेल्स आपका 6 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 360 प्लस 9450, फिक्स कॉस्ट 120 एंड प्रॉफिट 30,000. आर यू फॉलोइंग ऑन नॉट फ्रेंड्स? पूरा सब डिटेल मैंने आपको दिया हुआ है. सेल्स 6 लाख. सही है सर. ये आपका कौन सा हो गया, ईयर 2003, 2002. 6 लाख का सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट 360 प्लस 90 इज 450. 600 माइनस 450 इज 150, फिक्स कॉस्ट 120 एंड प्रॉफिट 30,000. ये अपन ने यहाँ से निकाल लिया, 120 फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट 30,000, वेरिएबल कॉस्ट एंड ये आपका सेल्स. नाउ यू गो टू 2003, एक्सपेक्टेड सेल्स डिवाइड इन टू बीपी, एमओएस, वेरिएबल कॉस्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट. वेरिएबल कॉस्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट. सही है सर. अब क्या बोल रहे हैं, ही डज नॉट एक्सपेक्ट एनी चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट, बट ही फील्स ड्यू टू द सर्वे कंपनी द सेलिंग प्राइसेस टू बी रिड्यूस टू मेंटेन द सेम वॉल्यूम ऑफ सेल्स. इसका मतलब ये आपका सेल्स ऑफ 2003, दिस यू डिवाइड इन टू वेरिएबल कॉस्ट एंड कॉन्ट्रीब्यूशन. अब ये क्या बोल रहा है कि अगर वॉल्यूम सेम है, इसका मतलब लास्ट टाइम का जो वेरिएबल कॉस्ट था 450, आपका इस बार भी वेरिएबल कॉस्ट रहेगा 450. व्हाई बोलो? बिकॉज आपका वॉल्यूम क्या है, सेम, एंड देर इज नो चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट. आपका वॉल्यूम सेम है तो वेरिएबल कॉस्ट भी सेम रहेगा. ओके. अब ये क्या बोल रहा है, पीवी रेशो 25% एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी लास्ट टाइम था, और करेंट ईयर में 2003 में द पीवी रेशो एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 20 एंड 30. तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी 30, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो बीपी 70, द पीवी रेशो एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी. पीवी रेशो इज 20%, ये आपका 80%, ये आपका 80%, ये आपका 20%. सही है सर. ये आपका 80%, इट मीन्स 450 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 80. 450 डिवाइडेड बाई 0.8 एंड दिस कम्स टू 562,500. ये आपका सेल्स हो जाएगा. आपका वेरिएबल कॉस्ट 450 है. आपका वेरिएबल कॉस्ट अगर 450 है, वेरिएबल कॉस्ट आपका 450 है, तो आपका सेल कितना हो जाएगा, ये 80% है, 80% इज 450, इट मीन 562,500 इंटू 562,500 इंटू 562,500 इंटू 70%, 39,3750 इंटू
39,3750 इंटू 20% 78,750 एंड फिक्स कॉस्ट 78,750। 393,750 का 80% इज 562,500 का 70% इज 393,750 और उसका 80% इज 315,000 इज ए वेरिएबल कॉस्ट। एमओएस सेल्स 562,500 का 30% 168,750 का 20% इज 33,750 बिकॉज द वेरिएबल कॉस्ट 80% ऑफ 168,750 का 80% इज 135,000। आपका वेरिएबल कॉस्ट आप देखोगे तो आपको मैच मिलेगा 315 + 135 = 450। इतनी सबका सेल्स 562,500 वेरिएबल कॉस्ट विल बी 315 + 135 is 450। 562,500 - 450 is 112,500 minus आपका फिक्स कॉस्ट 78,750 your profit will be 112,500 minus 78,750 is 33,750। वही अपने को 33,750 प्रॉफिट है। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, दिस चार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके। ये चार्ट आपको बहुत अच्छे से समझना बहुत जरूरी है, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन कर। सही है सुनो फ्रेंड्स, चार्ट को आपको समझना बहुत जरूरी है। सही है सुनो फ्रेंड्स, प्रॉपर। आप सेकंड में अपने से क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स, इट मींस सेकंड में अपने से पूछ रहा है व्हाट विल बी द मिनिमम सेल्स रिक्वायर्ड इफ द कंपनी डिसाइड टू डिसकंटिन्यू। इट मींस 2003 योर शट डाउन पॉइंट इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट लेस शट डाउन कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। व्हाट इज योर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, योर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज 78,750 लेस शट डाउन कॉस्ट इज 60,000 क्वेश्चन में दे ही रखा है एंड पीवी रेशियो इज 20%। 78,750 - 60,000 डिवाइडेड बाय 0.2 is 93,750. तो फ्रेंड्स दैट इज द एंड ऑफ योर शट डाउन पॉइंट मॉड्यूल के सम्स भी मैं आपको करा दूंगा आगे के लेक्चर्स में। मॉड्यूल में भी सम दे रखे हैं राइट शट डाउन पॉइंट के। इट इज अ पॉइंट वेयर द मैनेजमेंट कैन टेक द डिसीजन वेदर टू कंटिन्यू द ऑपरेशन और नॉट। वेरी लॉजिकली आप जरा समझिए, हम लोग दो में डिवाइड कर रहे हैं, एक जो मॉड्यूल को करने के लिए जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको करा दे रहा हूं, प्लस आप मॉड्यूल के क्वेश्चंस आप तभी कर पाएंगे जब आपको ये बेसिक। इसके लिए हमने बुक का नाम रखा हुआ है डीकेसी प्लस बुक। ओके, डीकेसी प्लस मींस पहले हम बेसिक सम्स
या जो टॉप से टॉप वेराइटीज हो सकती है वो हम आप इसमें कवर कर रहे हैं, और उसके बेस पे हम आपके मॉड्यूल को भी कवर कर देंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको सॉल्व करके दिखा रहे हैं, बाकी के जो भी क्वेश्चन है जो हमको लगता है सिमिलर टाइप है या मैनेजेबल है उनको हम आपको डीकेसी फॉर्मेट में दे देंगे। सही है सोना फ्रेंड्स, ओके। अब इसके बाद आपका जो नेक्स्ट कंसेप्ट आएगा वो नेक्स्ट कंसेप्ट है आप कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। व्हेन समथिंग इज लिमिटेड टू यू देन हाउ टू टेक द डिसीजन, ओके। तो आपका नेक्स्ट पार्ट हम लोग करेंगे कि व्हेन समथिंग इज लिमिटेड टू यू हाउ टू टेक द डिसीजन। सही है सर, ओके, थैंक यू।